मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट क्लास में बेटा हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के बारे में एक क्वेश्चन प्रतिशत निश्चित किया था। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं, उसी विधि पर आगे बढ़ते हैं, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले तो पहला काम करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाना। एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाना। अगर कोई क्वेश्चन अपने पास एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाया हुआ आता है तब उसमें कोई ये काम नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड काम करना है अचर पद को दूसरी तरफ करना है, मतलब दायां और बायां भाग दो करना है। तो इसमें दाएं भाग में अचर पद, दायां भाग, और इस तरह पे एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर चर पद लिख सकते हैं, चर पद बायां भाग, ये दो बार। तीसरी थी बेटा एक्स के गुणांक के, यहां पर था एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, और लास्ट में चार नंबर पर था वर्गमूल लेकर x का मान प्राप्त करना। ये चार स्टेप में अपने पास क्या होगी, पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीट होगी। चार स्टेप में अपनी क्या पास हो जाएगी, पूर्ण वर्ग विधि से अपने x का माने ज्ञात करेंगे। अब अपना पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 के 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 बराबर 0। फर्स्ट में लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 बराबर है। पहला काम क्या है, यहां पर x स्क्वायर का गुणांक क्या बनाना है, इकाई बनाना है। इकाई मतलब x के साथ में केवल एक रहना चाहिए, मतलब जो भी संख्या है उसका भाग दे दो। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का भाग पूरे समीकरण में देना है, क्योंकि तभी तो 3 का भाग 3 में दे देंगे, मतलब इसके नीचे 3 का भाग दे देंगे, इसके नीचे भी 3 का। ये काम क्यों किया कि यहां पर 3 का भाग दे रहे तो पूरे समीकरण में 3 का भाग दे देगा, ये ध्यान रखना। तो क्या हुआ, तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर 3x² बटे 3 माइनस का 5 बटे 3 एक्स प्लस 2 बटे 3 बराबर है। 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये x स्क्वायर का गुणांक अभी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ये ध्यान रखना है अपने को। माइनस का 5 बटे 3 एक्स प्लस का, अब यहां पर देखो इस तरफ क्या लिखा मैंने, चर पद का मान, और इस तरफ अचर पद, अचर पद अपने पास 2/3 है, इसके साथ देखो x नहीं लगा है, x नहीं लगा वो क्या होगा, अचर पद। 2/3 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3। अब यहां से आपको क्या करना है, नंबर 3 बात में क्या लिखे है, x का गुणांक है 5/3, x के साथ गुणा में जो संख्या लिखे 5/3, x के गुणांक का आधा अब ये ध्यान रखना है किसी भी संख्या का आधा, जैसे 10 का आधा तो आप क्या करते हो, 2 का भाग देते हो, कितना आता है 5, और 5/2 का आधा करते हो, क्या करते हो, 2 का भाग दो, 5/2 का ही भाग और देना तो 2 आ गया, क्या लिखोगे, 5/4 आधे बताए 2 का भाग देना है। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स तो है, एक्स का गुणा क्या है 5/3 का आधा, दोनों तरफ आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, तो 5/6 का वर्ग जोड़ दिया बराबर माइनस का 2/3 प्लस 5/6 का वर्ग, ठीक है। यहां पर आपको अब क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ये चिन्ह देखना है, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ये चिन्ह देखो, माइनस का है, और आगे वाला जो मान है आपका
अचर पद में, इस तरफ अचर पद देखो, एक दो तीन अचर पद यहाँ पर बन रहा है, वो लिख दो, पांच बटे छ, पांच बटे छ का x माइनस पांच बटे छ का होल स्क्वायर, x माइनस पांच बटे छ का होल स्क्वायर बराबर, इस तरफ देखो बेटा, माइनस का दो बटे तीन प्लस का पच्चीस बटे छत्तीस। अब यहाँ पर आप 25 बटे 36 लिखोगे तो स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पर x माइनस सर्व समीका बना रहे, और सर्व समीका बनती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो वापिस यही आएगा अपने पास, ठीक है, इसको खोलो वापिस यही पार्ट आएगा, या फिर यहाँ पर 25 बटा 36 आएगा तो ये नहीं आएगा। तो इसमें यह ध्यान रखना है 5 बटा 6 जो बी का मान है वही मान रखो इसका होल स्क्वायर। अब इसको पहले सोल्व करो, आप कितना था इसका मान देखो, क्या आया अपने पास आया है x माइनस पांच बटे छह का होल स्क्वायर बराबर माइनस का दो बटे तीन प्लस है पच्चीस बटे छत्तीस, यही तो था। इसको सॉल्व किया x माइनस पांच बटे छह का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम कितना आया छत्तीस, इनका भाग छत्तीस में निमारे बारह, बार बारह का दो से गुणा किया माइनस का चौबीस प्लस का पच्चीस, तो ये आया अपने पास x माइनस पांच बटे छह का होल स्क्वायर बराबर एक बटे छत्तीस, एक बटे छत्तीस, क्यों कि माइनस का चौबीस है प्लस का पच्चीस तो एक बटे छत्तीस। यहाँ पर ये देखो क्या आ रहा है x माइनस पांच बटे छह बराबर ये स्क्वायर रखेंगे दूसरी तरफ वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा एक बटा छत्तीस, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस हो ये ध्यान, ठीक है, अनरूट का चिन्ह लगाया थी, ठीक है, वर्गमूल करने पर x का मान, अब यहाँ पर है अनरूट एक बटे छत्तीस किसका मान होता है एक बटे छह का, x माइनस पांच बटे छह बराबर प्लस माइनस एक बटे छह। अब x के अपने पास यहाँ से दो मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे दो मान है निकालेंगे, देखो किस प्रकार से निकालेंगे, एक दो क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो पूरी पूर्णवर्ग विधि समझ में आ सकती है। क्या लिखा है यहां पर है x माइनस पांच बटे छ बराबर प्लस माइनस एक बटा छह, ये तो है अपने पास। अब सबसे पहले यहां पर लिखेंगे प्लस से चिन्ह लेने पर तो x माइनस का पांच बटे छह तो है ही बराबर इस तरफ से प्लस का एक बटा छह। अब इसको सोल्व करो x बराबर है एक बटा छह तो है और ये किसका हो जाएगा दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का पांच बटा छह, x बराबर क्या आया छह एलसीएम एक प्लस है पांच, x का मान कितना आ गया छह बटे छह कितना आया वन, x का मान कितना आ गया एक। दूसरा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर अब ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो x माइनस पांच बटे छह बराबर यहाँ पर पहले क्या लिया था प्लस का, इस बार क्या लोगे माइनस का एक बटा छह। अब इसको सॉल्व करो बेटा कितना आया x बराबर माइनस का एक बटा छह प्लस का पांच बटा छह, तो क्या है इसका मान x बराबर क्या आ गया छह लघुतम माइनस का एक प्लस का पांच, तो x बराबर कितना आ गया चार बटे छह का मतलब है दो बटे तीन, एक्स का मान कितना है दो बटे तीन आया और दूसरा मान कितना आया अपने पास है एक, तो एक्स के कितने मान आ गए एक और दो बटे, ये है अपनी पूर्णवर्ग। तो सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक है इकाई बनाना है, क्या करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाया, सेकेंड में इकाई बनाने के लिए ध्यान रखो जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में संख्या लगी उसी का पूरे समीकरण में भाग देना है, यहाँ पर तीन लगा था तीन का भाग पूरे समीकरण में दे दिया। उसके बाद में अचर पद होता है जो समीकरण में उसको दूसरी तरफ में ले जाते हैं, तो अगर प्लस का है दूसरी तरफ किसको हो जाएगा माइनस का, माइनस का तो प्लस का। उस तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको एक्स का गुणांक देखना है, एक्स का गुणांक किसी भी संख्या का गुणांक होता है,
गुणांक देखोगे तो उसका आधा, आधा मतलब उसमें कितने का भाग दोगे फिर? दो का, जैसे 17 का आधा 17 बटा दो, 19 का आधा 19 बटा दो, 18 का आधा 18 बटे दो, दो। अगर 18 बटे दो दो तो सही है, आकर संख्या आ रही है। अपन बटे वाली संख्या का 17 बटा दो है तो उसको 17 बटा दो ही गुणांक है। x का गुणांक का आधे का वर्ग, वर्ग करते हैं यहाँ पर, दोनों तरफ जोड़ते हैं, इस तरफ भी जोड़ा है और इस तरफ भी जोड़ा है, ठीक है। यहां से आपकी एक सर्वसमिका बन गई, ये सर्वसमिका बना इस चिन्ह के ऊपर है आधारित है। यहां से आपको चिन्ह यही लेना है इसमें एक्स स्क्वायर के आगे वाला, अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस वाली होगी, माइनस है तो माइनस। उसके बाद में आपको इसको सोल्व करना है, वर्गमूल लिया, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस लगाना है, ये ध्यान रखना आपको। प्लस माइनस के बाद में आपको एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, दूसरी बार है माइनस का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन अपने पास है, 5x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस है, तो पहला काम है x स्क्वायर का क्या करना, आपको गुणा के इकाई बनाना है, तो कितने का भाग दोगे, 5 का ही भाग है इसमें, माइनस 6 बटे 5x माइनस 2 बटे 5 बराबर है 0। यहां पर 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास क्या है, x स्क्वायर माइनस का 6 बटे 5x बराबर। अब ये अचर पद है उसको दूसरी साइड में ले जाओ, प्लस के 2 बटे 5, प्लस के 2 बटे 5। तो इसमें अभी क्या करना है, अब देखो x का गुणांक, x का गुणांक यहां पर देखो मैं बता रहा हूं, x का गुणांक, गुणांक चिन्ह भूल जाओ, x का गुणांक, x के साथ में गुणांक क्या है 6 बटे 5। यहां पर x के गुणांक का आधा, आधा मतलब 6 बटे 5 गुणा, अब आधे मतलब 2 का भाग देंगे तो भाग ऊपर नीचे लिखा जाएगा, तो कितना आ गया 6 बटे 10। x के गुणांक के आधे का वर्ग, वर्ग आधे का वर्ग तो 6 बटा 10 का वर्ग, पर काम ऊपर है लगा दिया, ये काम करता है x स्क्वायर माइनस का 6 बटा 5 x माइनस का 6 बटा 5 x के गुणा, गुणा का आधा कितना है 6 बटे 10, 6 बटे 10 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, x माइनस, x माइनस और सर्वसमिका बनानी है इसकी, ठीक है। कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो थी। तो यहां पर देखो तीन पद है, इसमें तीन पद है, तो अपनी को इस रूप में बनाना है, a का मान जो x यहां पर a है, तो यहां पर अपने पास x है, b b देखो यहां पर, तो इसमें b का स्क्वायर ये वाला पार्ट ये नहीं, ठीक है, 6 बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर यहां पर बेटा 2 बटे 5 प्लस का इसका होल स्क्वायर कौन दिया 36 बटे 100। आगे क्या करना है, x माइनस 6 बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व किया एलसीएम आया 100, 5 का भाग 100 में 20 बार, 20 को 2 से 40 प्लस 36, x माइनस 6 बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर है 76 बटे, इसको काट भी सकते हो 76 बटे 100, कितना लिखोगे 37। या 38, 38 बटे 50 और काटोगे 19 बटे 50,
19/25। अब यहां पर देखो आगे क्या करना आपको, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर क्या था 19/25। वर्गमूल लिया x माइनस 6/10, ये इस प्रकार चलेगा और इधर आएगा अंडर रूट 19/25, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस था, ये था x माइनस 6/10 बराबर 19, अंडर रूट के अंदर 19 कोई निश्चित मान नहीं होता है, तो ये तो इस प्रकार से रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट का 19/25 का मान होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, प्लस चिन्ह लेने का, तो x माइनस 6/10 बराबर है अंडर रूट 19/5, अंडर रूट 19/5, यहाँ से तो सॉल्व किया तो क्या आया x बराबर है अंडर रूट 19/5 प्लस का 6/10, एलसीएम आया 10, 2 का 2 को 2 अंडर रूट है 19 प्लस 6, ये x का मान आ गया, ठीक है। दूसरा अब यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये इसको क्या लिख दिया x बराबर 2 कॉमन ले लिया, बच गया क्या अंडर रूट 19 प्लस 3/10, इसको काट दिया 5, तो ये आपके पास x बराबर क्या आ गया अंडर रूट 19 प्लस 3/5। दूसरा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर इसमें क्या आएगा, यहां पर x माइनस 6/10 तो है बराबर है माइनस का अंडर रूट 19/5, माइनस का अंडर रूट 19/5। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा x बराबर है माइनस का अंडर रूट 19 प्लस का 6/10 और 5, एलसीएम लिया x बराबर है 10, दो बार माइनस 2 अंडर रूट 19 और प्लस का 6, x बराबर क्या आ गया 2 कॉमन ले लिया, बच गया क्या माइनस का अंडर रूट 19 प्लस का 3/10, इसको काट दिया 5 बार, तो ये क्या आ गया दूसरा मान x का अपने पास है, इसको लिखते हो 3 माइनस अंडर रूट 19/5, तो दूसरा x का मान एक क्या है था अपने पास 3 प्लस अंडर रूट 19/5, ये x के मान। तो हमेशा ध्यान रखना है पूर्ण वर्ग विधि के अंदर है, सबसे पहले x स्क्वायर का बना के इकाई बनाना है, सेकंड में अचर पद को आप दूसरी तरफ पे ले जाओ, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग है वो इस समीकरण में दोनों तरफ जोड़ना, और आगे फोर्थ स्टेप में आगे यहाँ पर तो बन गई आपकी सर्वसमिका, इसको सोल्व कर दिया, और पांचवी स्टेप में आपने क्या कर दिया वर्गमूल करके x के माने ज्ञात कर लिए, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, दूसरी बार है माइनस का, वर्गमूल का चिन्ह वर्गमूल लेने के पश्चात में प्लस माइनस से लगा दिया। और क्वेश्चन देखते हैं इसके,
तीसरा क्वेश्चन जवाब है, चौथा पार्ट देखो इसका, 4x² प्लस के 4 अंडर रूट है 3x प्लस 3 बराबर है, पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले x² का गुणा इकाई बनाएंगे, तो 4 का भाग देना है, 4x² बटे 4 प्लस 4 अंडर रूट 3x बटे 4 प्लस 3 बटे 4 बराबर है 0। 4 से 4 कैंसिल x² प्लस यहां पर भी 4 से 4 कैंसिल अंडर रूट 3 है x प्लस है 3 बटे, अब 3 बटे 4 इस तरफ के किसका रहेगा प्लस का, तो दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 3 बटा 4। अब यहां पर x का गुणांक क्या है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का आता अंडर रूट 3 बटा 2, तो यहां पर क्या लिखोगे x² प्लस अंडर रूट 3 x प्लस अंडर रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी वही काम करना है माइनस का 3 बटा 4 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, जोड़ दिया दोनों तरफ। अब जोड़ने के पश्चात में अब यहां पर मैंने क्या बताया था आपको, एक तो x वाला मान लिखना है यहां पर है, चिन्ह यहां से लेना है और ये मान वैसा का वैसा अंडर रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये रख दो ठीक है बराबर। इस तरह पे माइनस का 3 बटा 4 प्लस 3 बटा 4, क्योंकि अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या आता है 3 बटा 4 या अंडर रूट 9 बटे 4 देख सकते हो, अंडर रूट का 9 का मान निश्चित होता है 3, तो यहां पर बेटा देखो माइनस के 3 बटे 4 प्लस के 3 बटे 4 ये आपस में कैंसिल हो गए, तो इस तरफ क्या बचा एक्स प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर है 0। वर्ग मूल लेंगे तो 0 है प्लस माइनस 0 रह जाएगा, तो अपने पास क्या जाएगा यहां पर लिखोगे वर्ग मूल लेने पर, तो क्या आया एक्स प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 का क्या था होल स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स प्लस अंडर रूट 3 बटा 2 बराबर है 0, एक्स बराबर कितना है माइनस का अंडर रूट 3 बटा 2, एक ही मान आएगा क्योंकि आगे की साइड क्या है 0, वो 0 प्लस माइनस मानो ठीक है। तो ये अपने पास था फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, आगे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, सातवां पार्ट है इसका, 4x² पांचों से आप कर सकते हो प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर है। सबसे पहले इसमें x² का गुणांक क्या बनाएंगे इकाई, तो 4x² बटे 4 प्लस 4bx बटे 4 माइनस a² माइनस b² बटे 4 बराबर है, 4 से 4 कैंसिल, तो यहां पर बचा x² प्लस का bx, दूसरी साइड में a² माइनस का b² बटे 4, क्योंकि माइनस का दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का, ये कोष्ट वाचिन वैसा वैसा रहेगा क्योंकि कोष्ट के अंदर, अब यहां पर आप कोष्ट भी लगा सकते ठीक है। अब x का गुणांक क्या इस बार b है, तो b का आधा b बटा 2, x² प्लस bx प्लस b बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस b² बटे 4 प्लस b बटा 2 का होल स्क्वायर, x² के गुणांक क्या देगा वर्ग दोनों तरफ है जोड़ने पर ठीक है। यहां पर बनता है x प्लस b बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर, इस तरफ देखो a² माइनस b² बटे 4 प्लस b² बटे 4, पहले इसको सरल करेंगे क्या आया 4 a² माइनस b² प्लस का b² a² माइनस b² प्लस का b
बी स्क्वायर है। यहाँ पर देखो बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का है, तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा एक्स प्लस से बी बट्टे दो का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बट्टे चार। लिखोगे वर्गमूल लेने पर x प्लस बी बट्टा दो बराबर है अंडरूट ए स्क्वायर बट्टा चार प्लस माइनस, x प्लस बी बट्टा दो बराबर प्लस माइनस ए बट्टा दो, स्क्वायर हट जाएगा इसका भी ए बट्टा दो आ जाएगा। यहां पर देखो इसका मान आप क्या आएगा बेटा, क्योंकि चार का वर्ग कितना होता है तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस है लेने पर तो क्या आया x प्लस बी बट्टा दो बराबर ए बट्टा दो, एक्स बराबर है इसको उस साइड में ले जाएंगे ए बट्टा दो तो है माइनस का बी बट्टा दो, एलसीएम क्या आया दो ए माइनस ए बी, एक तो एक्स का मान क्या आ गया ए माइनस ए बी बट्टा दो, दूसरा देखो माइनस ए लेने पर तो क्या आया x प्लस बी बट्टा दो बराबर माइनस का ए बट्टा माइनस ए बट्टा दो प्लस माइनस का ही माइनस बी बट्टा x बराबर दो आया माइनस का ए माइनस का x बराबर माइनस कॉमन ले लिया a प्लस बी बट्टा ये का x का मान है यहाँ तो इसमें यह ध्यान रखना है यहाँ पर है एक तो आएगा a माइनस बी बटा दो दूसरा आएगा माइनस कोष्ट के अंदर a प्लस बी बटा इनमें ये ध्यान रखना है आपको करना कुछ नहीं है केवल इतना ध्यान देना है यहाँ पर सबसे पहले x स्क्वायर का गुणा के इकाई बनाया उसके बाद अचर पद को बराबर के दूसरे साइड में ले गए x का गुणा b है और b का अध्य b बटा दो का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दिया और जोड़कर इसको सॉल्व किया फिर वर्गमूल लिया वर्गमूल लेते हैं यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह और प्लस माइनस का चिन्ह लेने पर आपके पास x का मान एक तो आया है a माइनस b बटा दो दूसरा x का मान आया माइनस का पोस्ट के अंदर a प्लस है b बटा ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बेटा परीक्षा की दृष्टि से इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहाँ पर ये सरल समीकरण खोल भी सकते हो लेकिन आपको सरल समीकरण खोलने नहीं है इसको है वैसा का वैसा ही तो पूर्ण वर्ग नीति के अंदर बेटा ध्यान रखना है एक तो आपको सबसे पहले x का गुणांक इकाई क्या करना होगा x का गुणांक इकाई बनाना है सेकंड है अचर पद को अचर पद और x के गुणांक वाले मान को दोनों तरफ बराबर में रखते हैं मतलब एक तरफ दाएं तरफ दूसरे को बाएं तरफ में रखते हैं तीसरी स्टेप में आपको करना है x का जो गुणांक है x का गुणांक कुछ भी हो चाहे a हो b हो 5 हो 2 हो कुछ भी हो उसका आधा मतलब 2 का भाग देना है का वर्ग दोनों तरफ पे जोड़ना क्या करना है दोनों तरफ पे जोड़ना है और इसके बाद में आपको जोड़ने के बाद इसको इस तरफ वाला सोल्व कर लो यहाँ पर बन जाएगी आपकी एक सर्वसमी का उस सर्वसमी का वो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको लेना है वर्गमूल वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा इसका भी स्क्वायर हटेंगे लेकिन यहाँ पर अंडर रूट चार का मान दो होता है तब आपने दिखाया है बटा दो अब आपको दो एक पर तो प्लस का चिन्ह देना मतलब ये मान तो है वैसा वैसा रहेगा इस तरफ यहाँ पर आपने प्लस ए बटा दो किया तो इसको सॉल्व किया तो ए माइनस बी बटा दो एक बार आपने माइनस दिया तो ये मान तो है वैसा वैसा रखना है लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका आ गया इस बार माइनस का अब बी बटा दो को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का बी बटा दो इसको सॉल्व किया तो माइनस कोष्ट के अंदर ए प्लस ए बी बटा इस प्रकार से ये पूर्ण वर्ग विधि थी अपनी पूर्ण खंड मैंने बताई थी पूर्ण वर्ग बता दी अब इसके एक दो क्वेश्चन है वो आप स्वयं निकाल के देखना बाकी कल नेक्स्ट डे का श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ेंगे थैंक यू।